नहीं, घर में मग गया। मैंने तीन ही लोगों को फोन किया, मान्य खड़गे जी उनमें एक थी, आप भूल गए सर। और मैंने आपको कहा कि मैं प्रवेश कर रहा हूं, पर आप चुनाव में व्यस्ती बार बने देखा, हाउस के अंदर कुछ लाइटर मोमेंट्स भी आए, कुछ फायर वर्क्स भी हुए, इंटेलेक्चुअल इश्यूज भी हुए, इट वॉज अ सूदिंग स्पेक्टिकल, दिस चेंज मस्ट कंटिन्यू। सर खड़गे जी, जब आप मेरे डिस्टिंग्विश्ड प्रीडेसेसर को, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनके लेवल तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल है, जब आप उनको फेयरवेल एड्रेस दे रहे थे तो आपने कहा था आगे मौसम कैसा आएगा, कितना सताएगा, वो इमरान प्रतापगढ़ी ने आपको दे दिया, आपने पढ़ दिया, और मेरा पदार्पण नहीं हुआ, आपने मेरा डोजेट लिख दिया। ऐसा मत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल से पूछिए, हमारे संबंध ऐसे हैं, उत्कृष्ट हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान पूर्वक है, कभी बात कीजिए उनसे। जब अगली बार वो आएंगे मैं आपको आमंत्रित करूंगा। किसी भी परिस्थिति के अंदर संवैधानिक मर्यादा को लांघना मेरे मानस में नहीं है। गलती से यदि कभी हो भी जाए तो तुरंत वापस आऊंगा। कल आपका एक रिएक्शन आया, शायद आप मेरी भावना नहीं समझ पाए, मैं और आप एक ही वर्ग के हैं, अपनी चर्चा कर ही नहीं सकते उसकी, और फिर कभी आपसे बात करूंगा आपके घर आकर। मैं आपके घर ना सर, नहीं, नया घर आपने नहीं बताया, सबको बताया होगा उधर के लोगों को, हम लोगों को नहीं बनाया। आपका घर नया हो गया है, न्यू एंट्री हो गई है, गृह प्रवेश हो गया है, उसमें आएंगे बात करेंगे। माननीय सदस्यगण, मैं कहने के लिए थोड़ा मजबूर हो रहा हूँ। जिस दिन मैंने नए घर में मैं गया, मैंने तीन ही लोगों को फोन किया, माननीय खड़गे जी उनमें एक थे, आप भूल गए सर। और मैंने आपको कहा कि मैं प्रवेश कर रहा हूं, पर आप चुनाव में व्यस्त हैं। दूसरा, मैंने आपको यह भी कहा, मैंने आपको याद होगा, मैंने कहा कि आपके सुपुत्र जो मंत्री हैं और आपके रिश्तेदार जो चुनाव लड़ रहे थे, मैंने शुभकामनाएं भी दी थी। सर आप याद रखिए, वरना पूरा हाउस समझेगा कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो संपर्क में नहीं हूं। मेरे लिए सदन के नेता और सदन के प्रतिपक्ष के नेता सर्वोपरि हैं, और अभी तक इनको भी फॉर्मली आमंत्रित नहीं किया क्योंकि आपसे चर्चा होनी है। आई लीडर ऑफ द हाउस, आई विल गो बाय द डिक्टेट ऑफ लीडर ऑफ द अपोजिशन एट अ डेट एंड टाइम चोजन बाय हिम, वी विल मीट at the new vice president enclave. For the first time in this country, a dedicated residence befitting to the constitutional position the vice president holds has been created.